तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम ईमानदार व्यक्ति हो। तारीफ सुनना तो हर किसी को पसंद होता है गाइस, और ऐसे ही हम किसी की तारीफ करते हैं, है ना। पर जब बात हो रही है हमारे इंग्लिश सीखने की, तो क्यों ना हम ये जो तारीफ हिंदी में करते हैं, इसको अब हम इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है गाइस कि इंग्लिश में हमें किसी की तारीफ कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम डिम्पी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश विद डिम्पी। तो चलिए बिना देर किए अब हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, तो आप उसको बोलते हो तुम भरोसेमंद हो। इसको हमने बोलना है यू आर ट्रस्ट वर्थी। यू आर ट्रस्ट वर्थी। और ज्यादातर ऐसा हम बोलते रहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसको अब हम बोलेंगे यू आर लुकिंग एलिगेंट। यू आर लुकिंग एलिगेंट। तुम सबसे हटके लग रहे हो, इसको हम बोलेंगे यू आर लुकिंग क्लास अपार्ट। तुम्हारी मुस्कान सबसे अच्छी है, यू हैव द बेस्ट स्माइल। यू हैव द बेस्ट स्माइल। वह बहुत प्यारी है, इसको बोला जाएगा शी इज सो अडोरेबल। शी इज सो अडोरेबल। तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब ये जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं, और हमारे डेली लाइफ में या डेली रूटीन में इनका यूज़ होता रहता है। यानी कि ऐसा हम नॉर्मली किसी को भी बोलते रहते हैं, पर अब आप इन्हें हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलिएगा। अब ये सारे सेंटेंसेस आपको सिखाने के बाद एक सेंटेंस आप सबने मुझे ट्रांसलेट करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप महान हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप जुड़े रहें।